अनादिकाल से जीव संसार में मिथ्यात् कसाय आदि के कारण से घूम रहा है। देखिए, कर्म में आश्रम का कारण मन वचन का योग है। मन वचन का योग से आश्रम होता है और कसायों से बंद होती है। योग कर्मों को निमंत्रण देता है और कसाय मनहार करती है। यदि मनमत का योग हुआ और कसाय न हो तो बंद नहीं होगा, आश्रम तो होगा। जैसे आश्रम तो तीर्थंकरों तक का भी होता है क्योंकि वहाँ भी योग है, लेकिन कसाय नहीं है। तो कसाय हमारे संसार में रुलाने का मूल कारण कसाय ही है। कसाय चार प्रकार की बताई है, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इन्हीं चारों का जो फल देने की शक्ति है उसके हिसाब से चार चार और कर दिया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संधरण। इस प्रकार चार चार और कर दिया। क्रोध की अधिकता नरक में है, मान की अधिकता मनुष्य में है, माया की अधिकता त्रिंज में है और लोभ की देवगति में है। देवगति में कोई और कोई दुख नहीं है, मानसिक दुख नहीं है, लेकिन उनके दूसरे की संपत्ति देख करके जो इच्छा होती है वही उनका दुख है। संसार में सबसे बड़ा दुख भी वही है कि दूसरे का सुख। अपना दुख कोई नहीं देख रहा है, दूसरा सुखी कैसे हो जाए? क्यों कि यदि हम दूसरे को सुखी देखते हैं तो अपन दुख हो जाते हैं, अपन सुखी दूसरे को दुख देखते हैं तो सुखी होते हैं। जैसे यदि आपके बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसका थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर हो गया, अब मैं बताइए कि आप सुखी है ना दुखी है? दुखी है ना सुखी है? दुखी है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ सुखी है। वो पाप का उदय है ना पुण्य का उदय है? बताइए, पाप का उदय है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ पुण्य का उदय है। कैसे? अब देखिए, उसी गाड़ी में जिसमें एक्सीडेंट हुआ था उसमें 40 आदमी बैठे हुए थे, 30 तो मर गए, 5 सीरियस पड़ा है और आपके बच्चे का हाथ ही टूटा। आप क्या कर रहे हैं? घी के दीपक जला रहे हैं घर में? बोलते हैं कि कोई दियाली आ जाया और पुण्य था जो बच्चा बच गया। बताइए, पुण्य ना पाप है वो? अरे आप सुखी हो रहे हैं कि कम से कम बच तो गया? अरे वही एक्सीडेंट हुआ, अरे एक वो आपका बच्चा का हाथ टूटा और किसी को कुछ भी खुरमुच भी नहीं आई, अब क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए पाप लिखा था क्या? क्यों? क्योंकि दूसरे का दुख देख करके अपन सुखी हो रहे हैं और दूसरे का सुख देख करके अपन दुखी हो रहे हैं, यही हमारी स्थिति है। तो मैं अब बता रहा था कि क्रोध कसाय चार प्रकार की बताई है, पत्थर की रेखा, पृथ्वी की रेखा, धूल की रेखा और पानी की रेखा। क्रोध जब पत्थर की रेखा पर अपन ये लाइन खींच देंगे वो जल्दी से मिटने वाली नहीं है। उसके बाद धूल मिट्टी की रेखा है, उसमें आप गीली मिट्टी में लाइन कर दोगे वो थोड़ी देर में सूख करके या थोड़ी देर में पानी गिर के वापस मिट जाएगी। और धूल की रेखा है वो आप थोड़ी सी हवा चली और मिट जाएगी। और पानी की रेखा लिखी लगाते ही मिट जाएगी। इसी प्रकार अनंतानुबंधी कसाय पत्थर की रेखा है, प्रत्याख्यान कसाय इसकी पृथ्वी की रेखा है, प्रत्याख्यान कसाय आपकी धूल की रेखा है और संजनों कसाय आपकी पानी की रेखा है। देखिए, अनंतानुबंधी कसाय अनंत के साथ बनती है, अनंत नाम मिथ्यात्व का है, ये मिथ्यात्व के साथ बनती है और यह संसार में रुलाने का सबसे बड़ा कारण है। मिथ्या इसके कारण से
न सम्यक होता है, न जीव को मतलब सम्यक भी नहीं होगा और चारित्र की प्राप्ति भी नहीं होगी। मैं अनंतानबंदी और इसका वासना काल 6 महीने से ज़्यादा अनंत काल है। आपने किसी के साथ आज बैर कर लिया और फिर हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कथाओं में कि बैर मतलब जन्म जन्म में चलता रहता है। पार्श्वनाथ स्वामी ने का बैर आप 7 वर्ष तक चला बराबर चलता रहा, उन पर उपसर्ग होते रहे। तो वो कहता मान कसाय एक अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कसाय का 6 महीना है। 6 महीने के अंदर अंदर उसकी वासना काल खत्म हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा पद्म पुराण भी पढ़ा होगा, पद्म पुराण हरिवंश पुराण पढ़ा, बलभद्र और नारायण दोनों का प्रेम इतना होता है कि 6 महीने तक वो लाश को ले ले घूमते फिरते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनको होश आ जाता है, 6 महीने खत्म होते ही और वो उसको छोड़ देते हैं। तो अप्रत्याख्यान कसाय है, उसका वासना काल 6 महीना है। ये सम्यक्त का घात तो नहीं कर रही है, सम्यक तो प्राप्त हो रहा है इससे, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो थोड़ा भी व्रत लेना चाहे वो व्रत नहीं हो पाएगा इस कसाय के उद्देश्य। तो वही बताया कि उनका 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाती है। अब प्रत्याख्यान कसाय का वासना काल बताया 15 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगी। वो प्रत्याख्यान कसाय क्या करती है कि आपका जो महाव्रत है वो धारण करने नहीं देती है। अनुव्रत तो धारण होता है उसे, अनुव्रत तो धारण होता है लेकिन महाव्रत धारण नहीं करने देती है वो। और संदन कसाय उसका है वासना काल अंतर मुहूर्त, जिस प्रकार पानी में लाइन खींची और उसी समय मिट जाती है उसी प्रकार उसका वासना काल है अंतर मुहूर्त। तो वो क्या करता है उसमें मुनिव्रत तो धारण करने देती है, मुनिव्रत तो हो जाता है लेकिन यथाकात जो कसाय रही चारित्र होना चाहिए जिसके लिए मोक्ष प्राप्त होता है वो नहीं होता है। तो इसी प्रकार क्रोध क्या भी 4 प्रकार बता दी। क्रोध और मान ये दोनों राग द्वेष रूप है। किसी पे द्वेष होगा तो क्रोध होगा, किसी पे द्वेष होगा तो मान होगा। और माया और लोभ ये राग रूप है। तो कसाएँ 2 प्रकार की बता दी, राग और द्वेष। तो राग रूप तो आपकी माया और लोभ है, क्योंकि माया त्यागी कब करेगा, किसी चीज़ पर लोभ होगा उस तब छिपाएगा उस चीज़ को, तो लोभ होगा उस तब छिपाएगा और तो वो लोभ है। और इस प्रकार मान लोभ भी कसाय है। जब हम क्रोध आता है तो क्रोध नीच संगति के कारण जिस प्रकार अगुण है, अग्नि का अपन किसी के ऊपर अग्नि फेंकेंगे हाथ उठा करके, यदि जलता हुआ अंगारा किसी पर फेंकेंगे उसको मारने के लिए तो वो मरे या नहीं मरे, उसके लगे या चोट नहीं लगे लेकिन अपने हाथ जल जाएंगे। तो हमने किसी पर क्रोध किया वो उसका कुछ भी हुआ या नहीं हुआ उसे नहीं कुछ मतलब नहीं, लेकिन अपना तो घात हो गया, आत्मा में तो उसकी बहुत बड़ी क्षति हो गई। इसलिए क्रोध को बताया है। क्रोध के आता है तो आंखें लाल हो जाती है, जिस प्रकार धूप के कण आंखों में गिरते हैं और आंखें लाल हो जाती है उस प्रकार ये आंखों को लाल कर देता है। इससे शरीर कांपने लगता है, क्रोध आता है तो शरीर कांपने लगता है। क्रोध में आदमी क्या क्या बड़बड़ाता है, क्या बोलता है वही उसको सोचती नहीं है। अपने लड़के को जब क्रोध आता है तो बोलता है ए सुअर का औलाद। अब ये मैं पूछता हूँ वो लड़का किसका है, उसका ही, लेकिन क्या बोलते हैं सुअर का औलाद। तो वो सुअर कौन बना, खुद ही सुअर बना, औलाद तो उसी की है। तो बोलने का जब सारा वो चले जाती है, सारा चारित्र भ्रष्ट हो जाता है। देखिए क्रोध के कारण दीपायन मुनि ने
बहुत क्षमा चाहिए, वो बहुत बचना भी चाहे, लेकिन क्या परिणाम निकला आपके सामने है। वो चाहे जब नेमिनाथ स्वामी ने यह कह दिया कि द्वारका दीपायन मुनि के कारण से जलेगी और आप दो बचोगे, नारायण और बलभद्र, मतलब श्री कृष्ण और बलदेव जी, ये दो जीव बचोगे, बाकी सब जल जाएगा। जिन्होंने संयम लेना था वो तो संयम लेकर के बाहर निकल गए उसी समय सुन करके, लेकिन जो जिनका संसार ज़्यादा था वो रुके रहे। अब दीपायन मुनि वहाँ से चले भी गए कि नहीं, मेरे कारण द्वारका कैसे जलेगी, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं तो द्वारका जलेगी कैसे। वो यहाँ से दक्षिण साइड में चले गए। अब देखिए, केवल ज्ञान में जो झलक जाता है या जो बता दिया है वो मिथ्या नहीं हो सकता, तीन काल में भी मिथ्या नहीं हो सकता, होना तो वही होगा जो उन्होंने देख लिया है। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार अभी आपके पास चतुर्मास 5 महीने का है, क्यों 1 महीना पड़ गया ना, इसी प्रकार वो 12 वर्ष के आ तो गए लेकिन उन्होंने जो बढ़ा हुआ महीना था वो नहीं जोड़ा, 1 महीना पहले आ गए। अब वो महीना बढ़ा हुआ जोड़ा नहीं था और महीने पहले आ गए। अब क्या हुआ कि जब शराब के कारण से द्वारका जलेगी, शराब के कारण से द्वारका जलेगी ऐसा बता दिया था, तो श्री कृष्ण ने और बलदेव ने क्या किया कि द्वारका में जितनी भी शराब थी सारी निकाल करके बाहर फेंक दी कि शराब ही नहीं रहेगी तो शराब को पिएगा कौन, और जब पिएगा नहीं तो होगा कैसे। ठीक है, उन्होंने उठा करके और बाहर फेंक दी। अब वो शराब क्या थी कि जाकर के और एक जगह इकट्ठी हो गई, और शराब में ऐसा गुण है कि जितनी ज़्यादा सड़ेगी उतनी ज़्यादा आपको नशा करेगी। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ यादवंशी लड़के वहाँ जाकर के पहाड़ पर गए थे और खेल रहे थे। अब उनको प्यास लग गई, बहुत जोर की प्यास लग गई, तो उसी समय वो क्या किया कि वहाँ घूमते हुए आए और वो जो शराब जहाँ इकट्ठी हुई थी उसको पी लिया, नशा तो चढ़ना ही था, नशा आ गया। इधर में क्या हुआ कि दीपायन मुनि वहाँ से पहले आ गए और वो अपने ध्यान में लीन हो गए। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये देखा वो पी करके और जो मद में ज़्यादा हो गए, नशा चढ़ गया, उन्होंने दीपायन मुनि को देखा, उनको क्रोध जग गया कि ये दीपायन मुनि वही है जिसके कारण द्वारका जली है, मारो इसको। अब उसको मारने लगे, पत्थर मारने लगे। उन्होंने बहुत चेष्टा की, संयम में साधु थे, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन क्रोध रुका नहीं, आखिर में क्रोध आ गया। अब देखिए, रीतिप्राद मुनि होता है ना, उसके एक एक तेजस्वृति होती है, तो तेजस्वृति का क्या गुण है कि वो दाएं कंधे से और बाएं कंधे से दोनों तरफ से निकलती है। बाएं कंधे से निकलती है तो तेजस्वृति वो तो क्या होती है कि अशुभ निकलती है और बिलाव के आकर के निकल करके और 12 योजन में जितनी जगह होती है उसको सारे को जला देती है और वापस आकर के स्वयं उसके जो स्वयं वो है उसको भी जला देती है। और शुभ रीति होती है वो दाएं कंधे निकलती है। यदि किसी गांव में मारी हो गई, महामारी आ गई, जैसे कोरोना आदि रोग आ गया, इस प्रकार आ जाती है तो उनके दया उत्पन्न होती है और उस दया से, उस करुणा से वो दाएं कंधे से पुतला निकलता है और उसका सारा रोग मिटा करके, अशांति सारी दूर करके वापिस आ करके और शुभ हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि दीपायन मुनि का क्रोध आ गया। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, ये रीतियाँ नहीं होती है, वो जो चारित्र के धारी मुनि होते हैं उनके ही होती है और किसी के नहीं होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। लेकिन क्रोध तो आ गया, अशुभ में आ गए,
क्रोध आ गया निकल करके और उस द्वारका को जला दिया। तो एक क्रोध के कारण से और स्वयं जा करके नरक में गए। तो एक क्रोध के कारण से कितना कितना नुकसान हो जाता है ये देखिए। क्रोध आदमी को कैसे क्या कर देता है। अपन रोजाना पेपर में भी पढ़ते हैं कि भतीजे ने पूरे अपने चाचा के परिवार को ही ख़त्म कर दिया, उसने स्त्री ने अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया, उसने पुरुष ने अपनी स्त्री का घात कर दिया, माँ बाप का घात कर दिया। पढ़ते हैं रोजाना पढ़ते हैं, वो क्या कारण है? सब क्रोध का ही कारण है। तो देखे क्रोध से क्या क्या होता है। एक क्रोध का गुण बता रहा हूँ आपको। क्रोध करी मरे और मारे ताई फांसी होई, क्रोध करी मरे और मारे ताई फांसी होई, किंतु तू कारे तो भी जाए जेल खाने में। क्रोध करी मरे और मारे ताई फांसी होई, किंतु तू मारे तो भी जाए जेल खाने में। आप हो निबल भयो, आप ही निबल भयो, हाथ पैर टूट गयो, ठोर ठोर पट्टी बंदी पड़े सब पाखाने में। आप हो निबल भयो, हाथ पैर टूट गयो, ठोर ठोर पट्टी बंदी पड़े सब पाखाने में। पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैर पड़े तहसील और थाने में। किंचन तुह क्रोध कहे कितने दुख होत भया, किंचन तुह क्रोध कहे कितने दुख होत भया, कितने सुख होत है जरा दमक सम जरा गम खाने में। तो भैया यदि क्रोध आए उसमें गम खा लो तो कितने सुख होता है। अब एक बात है, देखे जब कर्म का उत्कर्ष उदय आता है तो क्रोध रुकता नहीं है, क्योंकि उसको देख करके आ जाता है। यदि मंद उदय है तो संभल सकता है, लेकिन क्रोध उदय आता है तो मंद। तो इसकी एक दवा है, क्रोध एक बड़ा बड़ा रोग है, इसकी दवा सबसे बड़ी एक तो यह है कि जब क्रोध आने लगे तो आप अपना मुख आईने में देख लेना। एक दूसरा उपाय है, क्रोध आए तो आप आधा गिलास ठंडा पानी पी लेना, क्योंकि क्रोध को अग्नि की संज्ञा दी है। क्रोध अग्नि होती है और पानी ठंडा होता है, तो उसको क्रोध को वो बुझा देगी, तो इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेना। तीसरा उपाय है मौन रहना, चुप हो जाना, उस समय चुप हो जाना। तो ये तीनों गुण आ जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं क्रोध, अरे यह भी नहीं होता है, देखिए जब क्रोध ज़्यादा आता है तो आपस में भेद भाव हो जाता है और होता भी है। तो लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्रोध कितने देर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुहूर्त थोड़ी देर के लिए, इसके बाद तो शीतल हो जाते हो, ठंडे हो जाते हो। जब आप क्रोध से ठंडे हो गए, कर लिया क्रोध, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि जिससे आपने क्रोध किया उस पर थोड़ा पश्चाताप करो और पश्चाताप कर से उससे क्षमा मांग लो। आपके जो क्रोध कसाय बंधी थी, क्रोध के कारण से जो पाप बंधा था वो मंद पड़ जाएगा, और जब दोबारा उदय में आएगा तो ठंडा होकर के आएगा, कमती होकर के आएगा, तो उस समय आप उससे जाकर क्षमा मांग दो। लेकिन अनंतानंद बंध मान बैठी हुई है साथ में, वो करने नहीं दे रही है। अनंतानंद मान जो साथ में बैठी हुई है वो भी नहीं करने दे रही आपको। तो भैया इतना तो कर लो कम से कम कि उस पर अपने मन में तो पश्चाताप कर लो कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब आगे से मैं नहीं करूँगा। या जाकर के आचार्य से आए हुए हैं ऐसे आचार्य, उस बात जाकर के उसके विषय में थोड़ा प्रयासित ले लो कि भगवान मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैंने उनके साथ में क्रोध किया है, आप मेरे को प्रयासित दे दो। तो आपके जो आपने क्रोध करके जो पाप बांधा है वो पाप
थोड़ा शिथिल पड़ जाएगा, और शिथिल पड़ जाएगा तो जब दूसरी बहू में उदमय आएगा या दूसरे समय में जब उदमय आएगा तो कमती बन करके आएगा, वो स्थिति नहीं आएगी। देखिए जो गम खाता है और नम जाता है वो कभी दुख नहीं पाता है। जो गम खाता है, नम जाता है और कम खाता है वो कभी दुख नहीं पाता है। जो कम खाएगा वो बीमार कमती पड़ेगा, जो कम खाएगा वो बीमार कमती पड़ेगा। जो नम जाएगा उसके मान किसाई नहीं आएगी, विनयता गुण आ जाएगा। और जो कम खाएगा उसके कसाई नहीं आएगी, क्रोध कसाई नहीं आएगी। तो नम जाइए, गम खाइए और कम खाइए, सुखी होना है तो। तो भैया हम तो यही कह रहे हैं कि क्रोध करके कोई फायदा नहीं है। कसाएँ आदमी संसार को रुला रही है। कसाएँ जितनी कम कर सकते हो उतनी कमती करनी चाहिए और अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। बोले आचार्य पंडित श्री वर्धमान सागर महाराज की जय।